राइजिंग स्टार बन चुका हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये ट्रॉफी उन मेहनत का सिला है, ये मेहनत है मेरी। और अच्छा ओके, तो ये मेहनत का सिला है, ये मेरी मेहनत है। आई होप कि आगे ऐसे ही अवार्ड्स मिलते रहें, इससे आगे फिल्म फेयर, आईफा, ये वो नेशनल अवार्ड, उसके बाद ग्रैमी, इस टाइप के अवार्ड मिलें और अपने देश का नाम रोशन करें। और ज़्यादा शो के बारे में मैं बस ये कहना चाहूँगा, इंडिया का पहला फर्स्ट लाइव शो है और एकदम सच्चा शो है, एकदम सच है, कुछ भी झूठ नहीं है। बहुत मेहनत से शो बनता है, हमारी तो कुछ भी मेहनत नहीं है, 1% भी नहीं है, पूरी टीम की बहुत मेहनत है। तो हमारे टीम ने, ऑप्टिमिस्टिक्स ने और कलर्स ने और राइजिंग स्टार की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसमें सबकी मेहनत का सिला है ये। और हमारा शो नॉन फिक्शन नंबर 1 शो था, जब तक हमारा शो चला कोई भी शो उसे बीट नहीं कर पाया, तो बहुत खुशी है इस बात की। जर्नी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ा आया शो में, और इतना प्यार मिला लोगों का, दर्शकों का, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत स्नेह दिया उन्होंने। और मुझे मैसेज करते हैं कि आप 8 साल से हमारे फेवरेट हो और हम वेट करते हैं आपका कि कब हेमंत आएगा नया शो लेके। तो ये अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है ये, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ऑनर की बात है। सो थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स, और ये सब आपकी मेहनत का है। टफ कॉम्पिटिटर मेरे लिए आई थिंक विष्णु माया वॉज वेरी द टफेस्ट कॉम्पिटिटर, एंड वो कमाल की सिंगर है, वो बहुत कमाल गाती है और कमाल की बस टैल सिंगर है। तो मैं बहुत डरता था उससे कि कहीं ये ट्रॉफी ले के ना जाए, बट थैंकफुली आ गई मेरे पास। बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, सीखने की थोड़ी मुझे सैड लग रहा है कि सीखना बंद हो जाएगा। सीखना मीन्स हम लोग हर वीक में रोज़ सॉन्ग सिलेक्शंस करते थे और गानों के लिए झगड़ते थे हमारे कोचेस से, सर ये गाना ये वो बहुत सारी चीज़ें, नोक झोंक दोस्तों में, प्यार, बदलाव, तो बहुत कुछ मिस करने वाला हूँ पूरा सेट। तो आप सबसे ज़्यादा ऐसे कौन सा पर्सन है इस शो के लिए जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा शंकर जी को और हमारे दिलजीत जी को और मोनाली जी को, तीनों को, क्योंकि शंकर जी की तो तारी को बहुत मिस करूँगा, क्योंकि अब हर हफ्ते हमें नहीं मिल पाया करेगी तो तारी, तो अभी season 3 में शायद बुलाएं ये लोग एज अ गेस्ट परफॉर्मर यार, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। फैंस के लिए गाना, ओके, गाना 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 मेरा फेवरेट, ओके, वे साथिया बेलिया साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन ओ तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। मैसेज यही देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करें, प्यार करें और बच्चों की तरह ख्याल रखें उनका, और अच्छा काम करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी नीयत रखें, तो ज़रूर सफलता मिलेगी।